नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। पंजाब में 20 फरवरी को वोटिंग होनी है, ऐसे में सूबे की राजनीति गरमाई हुई है। हाल ही में कवि कुमार विश्वास ने पंजाब और अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की थी, अब इस पर सियासी बवाल भी मच गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुमार विश्वास के दावे की जांच की मांग की है। बता दें कि सीएम चन्नी ने ट्वीट किया कि पंजाब के सीएम के रूप में मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध करता हूं कि हाल ही में कुमार विश्वास ने जो कहा है, इस मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। साथ ही कहा है कि राजनीतिक एक तरफ, पंजाब के लोगों ने अलगाववाद से लड़ते हुए भारी कीमत चुकाई है। पीएम को हर पंजाबी की चिंता दूर करने की जरूरत है। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब का मुद्दा लगातार जोर पकड़ता जा रहा है। अलीगढ़ धर्म समाज डिग्री कॉलेज में छात्रों ने हिजाब के विरोध में भगवा चोला ओढ़कर कैंपस में विरोध जताया और उसके बाद एक ज्ञापन देकर कॉलेज कैंपस में बुर्का बैन की मांग की है, जिसके बाद अलीगढ़ में भी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिल रही है। आनंद फानंद में कॉलेज प्रशासन ने कॉलेज कैंपस में बुर्का गमछा बैन करते हुए ड्रेस कोड लागू करने के नोटिस लगा दिए हैं। इसके बाद छात्र भी इस नोटिस को लेकर चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र मोहित चौधरी ने बताया कि उन्होंने यहाँ से एलएलबी की है। उन्होंने दावा किया है कि पहले प्रिंसिपल को ज्ञापन देकर वो अवगत करा चुके हैं कि यहाँ पर हिजाब टोपी और बुर्का को प्रतिबंध किया जाना चाहिए। विवाद बढ़ने के बाद ये संज्ञान में लिया गया। वहीं अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा सीट पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है। इस विधानसभा सीट को एक जमाने में कांग्रेस पार्टी का गढ़ कहा जाता था। 2017 में इस सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी सुरेश पासी ने जीत हासिल की थी। फिलहाल 2022 के विधानसभा चुनाव में किसके सिर पर जीत का ताज होगा, इसको जानने के लिए वहां के लोगों से बातचीत की। अमेठी से हमारे संवाददाता विक्रम भदौरिया ने इस दौरान क्या कहना है लोगों का, जरा सुनिए। न्यूज वर्ल्ड इंडिया पहुंच गया है अमेठी के जगदीशपुर विधानसभा, जहां 2022 के चुनाव को लेकर के यहां पर किस तरह से तैयारियां चल रही हैं कि प्रत्याशी अपना दमखम दिखाने के लिए यहां पर तैयार हैं, किन मुद्दों पर वोटिंग होगी, यह हम जनता से जानने का प्रयास करेंगे। यहां बाजारपुर के अम्बेडकर चौराहे पर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद। क्या माहौल चल रहा है आपके यहाँ? बहुत अच्छा चल रहा है। किसका माहौल चल रहा है? कमल के फूल का। क्या नाम है दादा आपका? राम प्रताप शुक्ला। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या माहौल चल रहा है? क्या सरकार बन गया? सरकार बनेगी। चाहे वोट देंगे आप? किन मुद्दों को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं, कैसे वोट देंगे, क्या आप यही कमल से फूल? क्या नाम है आपके? हमारा नाम गंगा प्रसाद शुक्ला, ग्राम चौली। क्या मामला चल रहा है यहाँ? हमारा यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया है। बाबा जी का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है, नंबर वन पर होना चाहिए। हमारे गरीबों का राशन, किसान, कांग्रेस प्रत्याशी जी। अरे कांग्रेस प्रत्याशी का गड्ढा नहीं मिलेगा यहाँ। कांग्रेस का गढ़ रहा है अमेठी। गढ़ रहा, लेकिन गढ़ का गड्ढा बना रहे हैं। महंगाई जो है, महंगाई उठा लेंगे उनके राजमा। हाँ, जब से बाबा जी आए हैं तब से हमारे जनता का शांति मिली है। गरीबों का राशन मिल रहा है, गरीबों का तेल मिल रहा है, गरीबों का चना मिल रहा है, नमक मिल रहा है। बाबा जी को देन है जो हमारे यहाँ सब जनता खुश रहे। जनता हमारी हिंदू मुसलमान तो नहीं जाएगा? ना ना, ये कुछ नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है दादा। कोई भेदभाव है बाबा का? बहुत बढ़िया है। और इस सरकार में ही रहा है, विधायक नित के उर्मा के किसान नित के पैसा भी मिल रहा है, तो इससे बीजेपी का सपोर्ट। यहाँ कुछ लोग भाजपा नाराज है, क्या है? नहीं नहीं, भाजपा से नाराज नहीं है। ये केवल भड़काने वाली बात है और भाजपा से कोई नाराज नहीं। क्या नाम है दादा? आपका भाई क्या नाम है? क्या हाल चाल है आपका? और तबीयत भी ठीक है? माहौल का है आपकी? कहता दही हूँ कुछ तो आप देखे हो के लिए सरकार, बाबा सरकार में का फर्क है, कहका दही के का योगी बाबा का मायावती में? यहाँ तो माहौल कांग्रेस का चल रहा है।
भाई 2010 में जो ना ही 50,000 रुपया फुट रही है, 2 लाख रुपया मंदिर, राम मंदिर मुद्दा को लेके वोट मिले हैं कि नहीं? काहे ना मिले? हां काहे नहीं, वह मुद्दा तो सबसे बड़ा है। दीपक जी कहा था कि हम पर सरकार मंदिर नहीं बनवाई। कौन मंदिर दीपक? तो अगर आपके घर के मुखिया मजबूत नहीं ना, तो आपके घर पर दूसर को कब्जा किए रहे। मुखिया मजबूत है तो आप अपन घर बनवा लिया हो, तो जब हमारा सरकार मजबूत रही तो बनवा दी। कांग्रेस का अब आपको तो हमारे बोली भाषा से लाग गए, भाजपा ही है, कट्टर राष्ट्रवादी है। विधायक भी काम अच्छा किए हैं और हमारे योगी जी से नाम देते वैसे एकदम। हाँ, जब तक आजीवन रहेंगे भाजपा रहेगी, भाजपा वोट देंगे। और हमारे साथ लोग मौजूद हैं यहाँ पर, कांग्रेस और भाजपा के समर्थित प्रत्याशी सुरेश पासी, कांग्रेस से प्रत्याशी विजय पासी और सपा से बिमलेश सरोज, जहाँ वहीं बसपा से जितेंद्र सरोज को प्रत्याशी बनाया गया है। सभी अपनी अपनी किस्मत को दांव पर लगाए हैं, सभी लोग अपना दमखम दिखा रहे हैं। इसी कड़ी मौजूद है हमारे साथ और भी लोग, इनसे बात करेंगे। क्या माहौल है भैया, आप देखिए माहौल भैया बहुत अच्छा है भाजपा नियत बताओ जी, मंत्री जी का माहौल एकदम खराब, सब विरोध है चला है। सही ना, राम मंदिर का बना था तो वह क्यों पही है भाजपा वाले? हाँ भाजपा वाले, हाँ बाबा जी के काम अतना अच्छा है, गुंडन का सरकार नहीं है। हाँ, तो गुंडे लोग हैं, बताओ जो है अखिलेश के कहा जाए, अखिलेश सरकार के कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रही, उनके कानून व्यवस्था यह रही कि गुंडा की व्यवस्था रही, छिनारन की व्यवस्था रही, चोर छिनार इनके व्यवस्था रही। हाँ, अखिलेश सरकार में इनके ज़्यादा व्यवस्था रही, बाबा जी की सरकार में ये व्यवस्था है। मंत्री जी के विकास कार्य से संतुष्ट हैं या योगी जी से संतुष्ट हैं? नहीं, हम योगी जी से मंत्री जी से दोनों संतुष्ट हैं। तो किसको वोट देंगे आप? अरे हम तो भाजपा को वोट देंगे। कांग्रेस कहाँ जाइए? कांग्रेस का कांग्रेस का ही गढ़ रहा, काम खत्म है, राहुल गांधी सब चले गए। ये थी जगदीशपुर विधानसभा के लोग, जहां पर हमने बात की और सभी लोगों से राय जानने का प्रयास किया, जहां पर ज़्यादातर विधायक और योगी जी को ज़्यादातर लोग यहां पर पसंद कर रहे हैं। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ विक्रम मधु। वहीं लखनऊ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चौकी से चंद कदमों की दूरी पर व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला मडियावा थाना क्षेत्र के राम बैंक चौराहे का है, जहां पर सरे बाजार व्यापारी की गोली मार दी गई। तो लखनऊ का ही पूरा मामला है, जहां पर चौकी से चंद कदमों की दूरी पर एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमार ठुकराल ने अपने कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उनका कहना था कि वो रुद्रपुर से 5,000 वोटों से जीत रहे हैं और जो भी कार्यकर्ता कहेंगे उसी के अनुसार निर्णय लेंगे। रुद्रपुर विधानसभा का चहुमुखी विकास करेंगे, जो भी अधूरा काम पड़ा है उसे भी पूरा जल्द करवाएंगे। अथाह मेहनत करके इस लोकतंत्र के पर्व में मुझे विधानसभा में पहुंचाने के लिए अथाह मेहनत की है, सबका मैं धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और सभी पत्रकार बंधुओं का भी धन्यवाद दूंगा कि पूरी पारदर्शिता के साथ सभी ने एक अच्छे वातावरण का निर्माण किया है। और 10 मार्च को अगर सीटी बच जाएगी, आम जनमानस के आशीर्वाद से मैं विधायक बन जाऊंगा, तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी जो मेरे पुलिसकर्मी, जिनका मामला मैंने 2 बार विधानसभा में उठाया, मुख्यमंत्री के सामने उठाया, डीजीपी के सामने उठाया, गृह सचिव के सामने उठाया, 4600 ग्रेड पे का मामला, उसका समाधान धामी सरकार ने नहीं किया। लेकिन मैं आज अखंड प्रतिज्ञा करता हूं, 10 मार्च को विधायक बनने के बाद मेरा पहला काम 4600 ग्रेड पे का समाधान करवाना है। सरकार किसी की बने, कुमार टुकराल किसी पॉलिटिकल पार्टी का आज गुलाम नहीं है। ऋषिकेश के मुनिकीरेती थाना के ढालवाला में गत्ता फैक्ट्री के कर्मचारियों ने हंगामा करते हुए हड़ताल कर दी। फैक्ट्री के गेट पर मालिक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया। कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ड्यूटी के दौरान मशीन की चपेट में आकर घायल हुए एक ऑपरेटर के इलाज का मालिक खर्चा देने से इनकार कर रहा है।
घायल ऑपरेटर एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। हड़ताल और हंगामे की सूचना पाते ही मुनिकीरेती थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह पुलिस टीम के साथ फैक्ट्री पहुंचे, कर्मचारियों को समझाया बुझाया, धरना खत्म करने के लिए भी कहा, लेकिन कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। हंगामे और धरने के बीच तहसील प्रशासन और मालिक भी पहुंच गए। दोनों पक्षों के बीच मांगों को लेकर समझौता होने के बाद कर्मचारियों ने अपना धरना खत्म किया है। सर वो मेरा दोस्त था, काफी खास था मेरा। अच्छा, तो सर मैं यही चाहता हूँ उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। अभी जो काम करते हैं उसे चोट कैसे लगी? सर वो मशीन चलाता था, ऑपरेटिंग करता था। अच्छा, मशीन ऑन होगी, अब किसी वजह से कोई कर रहा होगा काम, ऑन होगी, उसका सर दबा और हाथ दबा और उसको ये सरकारी हॉस्पिटल में लेगा। ये थी बहुत सरल मांगे थी, मैंने सब एक्सेप्ट कर लिए हैं और वही थी जो हम पहले से तैयार थे उनको करने के लिए। तो मेरे को बल्कि आपको भी समय कम दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी वहीं जाना है, अभी सीटी स्कैन हो गया उसका और एमआरआई अभी होने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो मुझे इसलिए अभी वहीं पर जाके उसका एमआरआई करवाना किसी भी तरह लड़के का। तो कारण उसके मांगों को पूरा किया गया, वो जो मांग है उसमें 10 मिनटों में है ना, उसको पूरा करने के लिए इच्छुक है वो। अच्छा, इनका कहना था कि मालिक आएंगे तब मानी जाएगी, मालिक आ गए? मालिक आ गए। अच्छा, एग्री करा वो, वेतन देने के लिए भी और सब चीज़ के लिए। वहीं सहारनपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने तमिलनाडु में छात्रा के आत्महत्या मामले में जिला संयोजक आशुवालिया और महानगर मंत्री वंदन कौशिक के नेतृत्व में तमिलनाडु सरकार का पुतला फूंका है। बता दें कि तमिलनाडु के तंजावुर जिले की छात्रा लावण्य ने स्कूल में ही धर्म परिवर्तन से आहत होकर खुदकुशी कर ली थी, जिसको लेकर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारियों के माध्यम से तमिलनाडु राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से करने की मांग की है। साथ ही न्याय न मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अभी पिछले महीने 9 जनवरी को हमारी एक बहन तमिलनाडु के एक स्कूल में, मिशनरी स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं की छात्रा बहन लावण्या ने स्कूल द्वारा धर्मांतरण के लिए लगातार प्रताड़ित करने के बाद परेशान होकर आत्महत्या कर ली। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, लेकिन इससे भी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण था इसके पश्चात इस घटना को लेकर के वहाँ की सरकार का रवैया। सरकार ने पहले पुलिसिया जाँच में ये कोशिश करी कि परिवार पर दबाव बनाया कि ना तो कोई रिपोर्ट हो ना कोई इसकी जांच हो। परिवार ने परेशान होकर कोर्ट में अर्जी लगाई और ये कोर्ट से दरख्वास्त करी कि सीबीआई की जांच हो। इसको लेकर के विद्यार्थी परिषद ने भी पिछले महीने ज्ञापन दिया, वहाँ के राज्यपाल के नाम हमने ज्ञापन दिया, पूरे देश भर से कार्यकर्ताओं ने भेजे, हमने भी जिलाधिकारी सहारनपुर के माध्यम से ज्ञापन भेजा। उसके बाद हाईकोर्ट ने वहाँ आदेश दिया और ये मामला सीबीआई को सौंपा गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब सीबीआई के पास मामला पहुंचा तो सबको ये थोड़ा संतोष हुआ कि शायद जांच होगी और हमारी बहन को न्याय मिलेगा। उसके बाद भी वहाँ की सरकार ने एक बहुत ही घटिया राजनीति का परिचय देते हुए इस सीबीआई को मामला सौंपे जाने का विरोध सुप्रीम कोर्ट में किया। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, अहमदाबाद ब्लास्ट में ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की है, 38 दोषियों को फांसी की सजा का ऐलान हुआ है, वहीं 11 को उम्र कैद का ऐलान किया गया। बड़ी जानकारी इस वक्त की मिल रही है। आपको बता दें कि 2008 में अहमदाबाद में हुए थे सीरियल धमाके, 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, 11 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि इस ब्लास्ट में 56 लोगों की जान चली गई थी। तो गुजरात के अहमदाबाद में 2008 के सीरियल ब्लास्ट केस के दोषियों की सजा पर बहस पूरी हो चुकी है और फैसला भी आ चुका है, ऐतिहासिक फैसला, 38 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है, वहीं 11 को उम्र कैद मिला है। तो अदालत इस मामले में आज फैसला सुना चुकी है। आपको बता दें कि इस घटना में 56 लोगों की जान चली गई, साथ ही 200 लोग घायल हो गए थे। ये दिल दहला देने वाली घटना 26 जुलाई 2008 को घटी थी। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में हुए 21 सीरियल ब्लास्ट ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। इन धमाकों की गूंज से हर कोई स्तब्ध था और कई सालों से इस पर लगातार सुनवाई होती रही। आखिरकार आज फैसला आया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। पहले 2 फरवरी को इस मामले में फैसला आना था, लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज AR पाटिल कोरोना संक्रमित हो गए थे, जिसके बाद इसे 8 फरवरी तक के लिए टाल दिया गया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 1 घंटे के भीतर 21 बम धमाके हुए थे। अहमदाबाद पुलिस ने इस मामले में 20 प्राथमिकी दर्ज की थी, वहीं सूरत में भी 15 और FIR दर्ज की गई थी। इन बम धमाकों में गुजरात के तत्कालीन CM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी आतंकियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए थे। उस समय वो गुजरात के CM थे
उस दौरान प्रदेश के मौजूदा डीजीपी आशीष भाटिया के नेतृत्व में तेज तर्रार अधिकारियों की टीम बनाई गई थी। देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी अहमदाबाद पहुंचे थे। बता दें कि 28 जुलाई 2008 को विस्फोट मामले की जांच के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया था। महज 19 दिनों के अंदर पुलिस ने 30 आतंकियों को गिरफ्तार कर जेल भी भेज दिया था। इसके बाद बाकी आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अहमदाबाद में हुए इन धमाकों से पहले आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन की इसी टीम ने जयपुर और वाराणसी में धमाकों को अंजाम दिया था। और आखिरकार ये बड़ा फैसला आज सुनाया गया है। 38 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई गई और 11 को उम्र कैद का ऐलान किया है। 2008 में हुए सीरियल ब्लास्ट में करीब 56 लोगों की जान चली गई थी। तो ऐतिहासिक फैसला आज सुनाया गया है अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस में। चलिए आगे बढ़ते रुख करेंगे कुछ और खबरों का। अमेठी में कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थक ने ठाकुर और ब्राह्मण समाज को गाली दी है। अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा है कि नहीं चाहिए ठाकुर और पंडित का वोट। बताया जा रहा है कि आरोपी राम मनोहर पासी कांग्रेस प्रत्याशी के गांव का ही रहने वाला है। वहीं खुलेआम ठाकुर और ब्राह्मण को गाली देने के बाद गांव में तनाव और रोष का माहौल है। जगदीशपुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी समर्थक है। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी विजय पासी के समर्थन से आरोपी क्षेत्र पंचायत सदस्य भी बनाया गया है। घटना इस प्रकार की हुई है। हमारे भाई साहब खेत गए हुए थे, वो वापस आ रहे थे तो विजय पासी के कुछ समर्थक थे, उन्होंने रोका उनको और बोले कि हम बोले कि आपको ले चलेंगे प्रचार करने के लिए, गाड़ी उड़ी बुलवा लें। तो भाई साहब ने कहा ठीक है बुलवा लीजिए, चलेंगे भाई, क्यों नहीं चलेंगे। और वहीं उनके जो विजय पासी के बनाए हुए BDC हैं वो भी बैठे हुए थे, तो भाई साहब हमारे थोड़े आगे चले गए तो उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसी बात को लेकर नाराज़गी है कि 184 विधानसभा जगदीशपुर से कांग्रेस से प्रत्याशी विजय पासी हैं जो कि चिटभला के निवासी हैं। कल शाम को हमारे ही गांव के कुछ ठाकुर के लड़के खेत गए थे, वहां पे उनके समर्थक राम मनोहर पासी जो कि BDC हैं, विजय पासी के बनाए हुए BDC हैं जिताए हुए, उन्होंने शायद उनके गांव के कुछ लोगों ने उस लड़के से ठाकुर के लड़के से कहा प्रचार प्रसार के लिए, तो उसने कहा ठीक है चला जाएगा। वहीं सिद्धार्थनगर में दलित युवक पर पुलिस की बर्बरता का एक मामला सामने आया। पीड़ित का आरोप है कि थाना इंचार्ज को लैपटॉप न देने की वजह से उसके साथ बर्बरता की गई। इस मामले में SP यशवीर सिंह ने CO को जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच रिपोर्ट आने पर कार्रवाई की बात भी कही है। देखिए थाना भवानीगंज का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, अब उसमें थाने की पुलिस पर आरोप लगे हैं दुर्व्यवहार के। इसमें CO जो लगते हैं क्षेत्राधिकारी डुमरियागंज, उनको पूरे मामले की जांच दे दी गई है और जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनको भी इस पूरे मामले का संज्ञान है। जांच आख्या जैसे ही प्राप्त होती है उसके उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई है उसके लिए आयोग को, चुनाव आयोग को पत्राचार किया जाएगा और उससे जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। एक बार हमें बुलाया गया तो बोले कि आप ऐसा ऐसा है, दिक्कत होती है, एक लैपटॉप दे दो हमें। तो हम उनसे बोले ठीक है सर, हमारे पास जब होता है तो हम कर देंगे, उसके बाद हम नहीं कर पाए, हमारी माता जी की तबीयत ख़राब था तो 2-3 बार वो फ़ोन किए तो बोले हम कर देंगे। उसके बाद वो हमें फिर एक महिला के थ्रू एक एप्लीकेशन दिलाकर हमें उठाया गया और 12 तारीख को उठाया गया, 13 तारीख तक हमें रखे। उसके बाद 13 तारीख को शाम में बहुत मारा गया, मारने के बाद में उसके बाद फिर 36 घंटे बाद एक हमारा छोटा भाई था, चचेरा भाई है, उसका उम्र कम से कम 14 साल को है, हमारे साथ में उसको भी रखा गया। वहीं महोबा में शादी की खुशियां मातम में बदल गई हैं। सिलेंडर में आग लगने से विस्फोट में 7 महिलाओं और 2 पुरुष सहित 9 लोग बुरी तरह से झुलस गए। सभी घायलों को सरकारी और प्राइवेट एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद नाजुक हालत को देखते हुए झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। मामला सिरसी कला गांव का बताया जा रहा है। बताया भी जा रहा है कि शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था कि खाना बनने के बाद घरेलू LPG सिलेंडर में आग लगने से भीषण विस्फोट हो गया, जिसके कारण यह हादसा हुआ। जो गैस सिलेंडर था, जैसा सूचना मिली है कि उस पर जो है वो भोजन बन रहा था उसके साथ, तो उसमें प्रॉपर जो हमारे विभाग को सूचना प्राप्त हुई उसमें निम्नानुसार देखा जा रहा है कि क्या चीज़ें सही थी, लेकिन जो घटना हुई है वो
उसके आधार पर एकदम तेजी से कार्रवाई की गई और यहाँ पर फर्स्ट एड व्यवस्थाएं करते हुए सीधा किसी को रवाना किया गया। ये थाना खन्ना की घटना है। थाना खन्ना में ग्राम माजरा है, उसमें उसका मजरा है सिरसी कला। यहाँ पे कोई शादी के बाद के समारोह का आयोजन किया जा रहा था और जिसमें आज सुबह ब्लास्टिंग हो गई सिलेंडर में, जिसमें 7 महिलाएं जो हैं वो जल गई हैं। महिलाओं को फर्स्ट एड के बाद यहाँ से रेफर किया गया है और झांसी में इलाज की व्यवस्था उनकी कराई जा रही है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।